बच्चों, आज हम स्वर अभ्यास में अ की मात्रा के वाक्यों और शब्दों का रिवीजन करेंगे। तो चलिए अब आप अपनी बुक निकालो। ये है हमारा पेज नंबर 41। अब इसमें आपको क्या करना है, आप देख सकते हो अ की मात्रा का जो ये वाक्य दिया हुआ है, हम इसको बोलेंगे, फिर इसको ट्रेस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं और फिर ट्रेस कर लेंगे। तो क्या लिखा है, स और ये ओ, तो क्या बना, सो र भ, सौरभ, प क, और ये क्या है, ओ, तो क्या बना ये, क प क डी, पकौड़ी। और ये क्या है, अ, ये र, तो क्या बना, और, सौरभ, पकौड़ी, और, क, ये क्या है, च, और ये अ, तो क्या बना, च, और ये क्या है, री, क, चौड़ी, ला, सौरभ, पकौड़ी और कचौड़ी, ला। तो चलिए अब हम इसको ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, अपर लाइन। तो हम सभी पर पहले अपर लाइन कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको बोल बोल कर लिखेंगे। स फ्री कै ओ, ये है र, और ये भ, ये बन गया सौरभ, सौरभ, प क ओ, ये क्या है, ड ई, तो क्या बना, प क री। अब इसको बनाते हैं, ये क्या है, अ र, और अभी क्या है, क, ये है च, और ये है अ, ये ड ई, तो क्या बना, क च री। ला, सौरभ, पकौड़ी और कचौड़ी, ला। अब इसी तरह से आपको यह वाक्य देख देख कर और बोल बोल कर लिखना है। अभी क्या लिखा हुआ है, सौरभ, सौरभ, दौड़कर, ये क्या है, सौदा, सौदा, ला या लाया, सौरभ दौड़कर सौदा लाया। अब ये देख सकती हो, ये जो पिक्चर बनी है ना, इसका नाम क्या है, सौरभ, और ये क्या लेकर आ रहा है, सौदा लेकर आया है। तो इसी के ऊपर ये सेंटेंस है हमारा, सौरभ दौड़कर सौदा लाया। तो इसी को आप यहाँ पर अपर लाइन करेंगे, फिर इसे बोल बोल कर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके, ये हमारा नेक्स्ट वाक्य, इसमें क्या लिखा है बोलो, ये क्या है, र, और ये ओ, तो क्या बना, रो न क, रौनक, ये क्या है, न, और ये ओ की मात्रा, तो क्या बन जाएगा, नौ का, नौका, पर, पर, जा कर, जाकर, बैठ, बैठ, रौनक नौका पर जाकर बैठ। तो इसको हम कहाँ से लिखेंगे बताओ, यहाँ से लिखेंगे या यहाँ पर, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ओके, क्योंकि अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो हमारा पूरा सेंटेंस नहीं आ पाएगा।
तो इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे इसे बोल बोल कर और सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज समझ लेते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, चित्र देख कर वाक्य पूरा कीजिए। तो अब हम ये जो चित्र बने हुए हैं हमें इनको देखना है और देखने के बाद इसको इसमें फिल करना है। ओके, तो बताओ ये क्या बना है, 100 मतलब 100। अब 100 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 100 क्या बोलते हैं, 100। तो यहाँ पे लिखेंगे स, पहले तो स लिखेंगे फिर सौ, मतलब औ की मात्रा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, औ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, सौ तक तक गी न ती गिनती गी न गिन सौ तक गिनती गिन। गिनती किसे कहते हैं, काउंटिंग को। ओके, अभी क्या है बोलो, कौन नजर आ रहा है आपको, ये कौवा। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले क फिर ओ की मात्रा, क फिर आ, तो क्या बन गया, कौवा। कौवा डाल, डाल पर, पर बैठा है, बैठा है। कौवा डाल पर बैठा है। अभी कौन है, ये लड़की है, गर्ल है, जिसका मतलब इसका नाम क्या है। अब ऐसा नाम बताओ इसका जो ओ की मात्रा से स्टार्ट होता हो या खत्म होता हो, क्योंकि हमें ओ की मात्रा का ही तो शब्द इसमें फिल करना है। तो सोचो जल्दी से, हम इसमें लिखेंगे गौरी जा रही है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ग फिर ओ फिर र फिर ई की मात्रा, तो क्या बनेगा, गौरी, गौरी जा रही है। अब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, फिल कर लिया आपने। अब इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज और ये पेज नंबर कंप्लीट करना है। तो चलिए अब आप अपना पेज नंबर कंप्लीट करिए और इस एक्सरसाइज को समझिए और ओ की मात्रा के शब्दों का रिवीजन करिए। तब तक के लिए बाय बाय।